नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हल्की सुंदरता व क्वालिटी किसी भी फसल के कीमत को तय करने में प्रमुख भूमिका होती है। तरबूज में एक कॉमन समस्या आती है जिसमें उसकी फसल में लगी फल फट जाती है। तरबूज का सही मार्केट रेट मिलने के लिए तरबूज का सही साइज में और उसका गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में तरबूज के फटने के कारण और उसके उपाय के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी इस वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें और पूरी जानकारी प्राप्त कर आप लाभ प्राप्त करें। किसान भाइयों, तरबूज का फटना कोई बीमारी या किसी भी कीट के वजह से नहीं होता है, बल्कि यह दो कारणों से हो सकता है। पहला फिजिकल डिसऑर्डर, दूसरा बोरान की कमी की वजह से। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में। तरबूज का फटना एक फिजिकल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। तरबूज के फटने का मुख्य कारण खराब सिंचाई के कारण होता है। सिंचाई के समय में हम थोड़ी सी भी बदलाव करते हैं तो तरबूज के फल फटने का कारण बनता है। जैसे कि भारी बारिश के बाद सूखा बढ़ जाता है तो उसके बाद तरबूज का फटना एक प्रमुख समस्या बन जाती है। जब भी पौधे को अतिरिक्त पानी मिलता है तो पौधा पानी को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो भी अतिरिक्त पानी मिलता है फल में चला जाता है, क्योंकि तरबूज का 80% भाग पानी से बना होता है। इसलिए पूरा पानी पौधा अवशोषित करके फल में डालता है। सिंचाई करने के बाद जब मिट्टी सूखा हो जाता है तब फल अपने जल की हानि को रोकने के लिए अपने त्वचा को कठोर बनाता है। जब भी तरबूज में अचानक पानी की वृद्धि होती है, जैसे सिंचाई करते हैं या भारी बारिश होता है, तो अचानक से पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है तो पौधे ज़्यादा पानी अवशोषित करने लगते हैं। उसके बाद तरबूज के त्वचा में अचानक विस्तार होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण तरबूज का फटना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी पानी की कमी होती है तो तरबूज पानी की हानि रोकने के लिए अपनी त्वचा को कठोर बना लेता है और अचानक पानी की उपलब्धता से त्वचा फैलाव के कारण फल फटने लगता है। एक और कारण है कि गर्मी, अचानक जब फल पर गर्मी पड़ती है या गर्मी बढ़ जाती है तो पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण फल पर दबाव पड़ता है, जिससे फल फट जाते हैं। बचाव के लिए किसान भाइयों, आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए पुआल या घास फूस को आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। पानी के बाद खेत में घास फूस आप फैला सकते हैं, जिससे नमी धीरे धीरे जाएगी तो पौधे पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जब नमी धीरे धीरे जाएगी तो पौधा अपने आप को संभाल लेगा। और दूसरा जो है बोरान की कमी। बोरान के कारण जो पौधे के फल की लचीलापन होता है वो बना रहता है। अगर बोरान की कमी होता है तो पौधे की त्वचा कड़ा हो जाता है, जिससे पौधे का फल जो होता है वो फट जाता है। बोरान की कमी को दूर करने के लिए 1 लीटर पानी में 0.2% बोरान को घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बुवाई के समय खेत में फड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना चाहिए। खेत में यूरिया की मात्रा को कम कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, जिससे दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो से प्राप्त जानकारी से लाभ हो सके। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।